मिडिल ईस्ट के देश ओमान से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसने ऐसे व्यक्ति को अपने देश में स्टेट गेस्ट का ऑनर दिया है जो भारत के अंदर वांटेड है। जाकिर नाइक के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा, ये भारत के अंदर और भारत के बाहर मुस्लिम यूथ और आतंकवादियों को आतंकी घटनाएं करने के लिए उकसाने के आरोप में भारत में वांटेड है। इसके ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को मोदी सरकार ने साल 2016 में बैन कर दिया था एंड इसके खिलाफ FIR दर्ज की थी। और जाकिर नाइक 2016 से ही भगोड़ा है, इंडिया छोड़कर भाग चुका है। अब हुआ क्या कि पिछले कुछ दिनों से जाकिर नाइक को लेकर एक न्यूज लगातार वायरल हो रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि जाकिर नाइक ओमान आ रहा है एंड ओमान ने भारत से प्रॉमिस किया है कि वो जाकिर नाइक को डिपोर्ट करके भारत को सौंप देगा। लेकिन ओमान से जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, उनको सुनने और देखने के बाद ऐसा लगता है कि ओमान भी अब टर्की की राह के ऊपर चलने लगा है और एंटी इंडियन और सबसे बड़े भारत विरोधी प्रोपेगेंडिस्ट को अपने देश में स्टेट सेट करके दे रहा है। जाकिर नाइक को डिपोर्ट करने की जो खबरें निकल कर आ रही थी, वो प्रूव हो चुका है कि वो बिल्कुल फेक न्यूज थी। अब ऐसा नहीं है कि जाकिर नाइक के ऊपर बस भारत ने ही कार्रवाई की है, भारत के साथ साथ मलेशिया ने भी जाकिर नाइक की पब्लिक स्पीचेस के ऊपर साल 2019 में बैन लगा दिया था। पीस टीवी नेटवर्क जिसके ऊपर जाकिर नाइक स्पीचेस देता है, वो भारत के साथ साथ बांग्लादेश, कनाडा, श्रीलंका और UK यानी कि ब्रिटेन में भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। ओमान के साथ भारत के बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। अभी तो भारत के मिडिल ईस्ट में कई सारे देशों के साथ मिलिट्री और डिफेंस टाइज हैं, उसके लिए थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट। लेकिन एक समय ऐसा था जब मिडिल ईस्ट के किसी भी देश के साथ भारत के डिफेंस टाइज बिल्कुल नहीं थे, बस नॉर्मल ट्रेड टाइज थे। ओमान पहला गल्फ देश था जिसने साल 2006 में भारत के साथ डिफेंस टाइज की शुरुआत की थी। दोनों देशों की आर्म्ड फोर्सेज ने मिलिट्री एक्सरसाइजेज की शुरुआत की थी एंड ओमान ने फिर उसके बाद भारत के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स भी साइन किए थे। इंडियन नेवी के पास इस समय ओमान में बर्थिंग राइट्स हैं एंड गल्फ ऑफ एडन में एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए इंडियन नेवी ने ओमान के पोर्ट्स का कई बार यूज किया है। इसके अलावा भारत और ओमान दोनों देशों की तीनों आर्म्ड फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों आपस में बायलेटरल एक्सरसाइजेस करती हैं। ओमान भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ऐसे में ओमान से उम्मीद थी कि वो जाकिर नाइक को भारत को सौंप देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा ओमान की गवर्नमेंट ने जाकिर नाइक को ओमान की मेहमान नवाजी देने के लिए उसको स्टेट गेस्ट का ऑनर दे दिया है, जिसके बाद अब वो पूरी ओमान एस्टेब्लिशमेंट का गेस्ट घोषित कर दिया गया है। इन सब के बाद जाकिर नाइक ने पिछले कल ओमान के अंदर इस्लामिक टीचिंग्स के दौरान न सिर्फ एक हिंदू महिला का लाइव धर्म परिवर्तन करवाकर उसको इस्लाम धर्म कबूल करवाया, बल्कि भारत सरकार के ऊपर भी कई सारे आरोप लगाए। कायदे से जाकिर नाइक को ओमान के अंदर इस्लाम के रिगार्डिंग टीचिंग्स देनी थी, लेकिन उसने ओमान में भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि इंडिया में कई सारे बाबे हैं जिनके पास 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनकी प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर रहा है, बल्कि जाकिर नाइक की प्रॉपर्टी को सीज करने की कोशिश कर रहा है। जाकिर नाइक ने आगे कहा कि उसके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग्स के दौरान साल 2018 में एक सिख जज मनमोहन सिंह ने जाकिर नाइक के खिलाफ लगे सभी आरोपों के ऊपर आपत्ति जताई थी और कहा था कि जाकिर नाइक के लेक्चर्स में ऐसा एक भी एविडेंस नहीं है कि जाकिर नाइक टेररिज्म को प्रमोट करता हो। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ओमान जाकिर नाइक को भारत को नहीं सौंपेगा, क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो ओमान जाकिर नाइक को बिना कोई शो करने देने से पहले ही भारत को सौंप देता। एक चीज ओमान कर सकता था कि जाकिर नाइक ओमान के अंदर जो भी लेक्चर्स दे रहा है इस्लाम के रिगार्डिंग, वहाँ पर जो भी टीचिंग्स दे रहा है, उस बीच वो इंडिया का नाम नहीं ले। लेकिन जाकिर नाइक ने न सिर्फ भारत के ऊपर आरोप लगाए, बल्कि एक हिंदू महिला को कुरान की कुछ लाइन्स पढ़ाकर उसका लाइव धर्म परिवर्तन भी किया।